विश्व हिंदू परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया बस्ती पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। तोगड़िया ने राम मंदिर का कानून न बनाने पर सरकार के खिलाफ खूब भड़ास निकाली। तोगड़िया ने कहा कि जब सदन में जीएसटी और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे पर कानून बनाया जा सकता है, तो राम मंदिर निर्माण के लिए कानून क्यों नहीं बनाया गया। 30 करोड़ रामशिला पूजा करने वालों के साथ विश्वासघात है, कार सेवकों के साथ विश्वासघात है, कोठारी बंधुओं के साथ विश्वासघात है। संसद में कानून की बात क्यों छोड़ना, बहुमत है राज्यसभा में, तो राज्यसभा लोकसभा साथ में बिठा दो। ट्रिपल तलाक का कानून बना सकते हो, जीएसटी का बना सकते हो, तो राम मंदिर का क्यों नहीं। हम अड़े रहे, नहीं माने, तो हमने संसद में कानून से राम मंदिर बनाने की बात नहीं छोड़ी। अरे बोलो मत भाई, संगठन छोड़ना तो हमने कहा कि शरीर भी छूट जाता है, वो भी नहीं रहने वाले, तो संगठन क्या, धर्म कैसे छोड़ेंगे, राम जी को कैसे छोड़ेंगे। इसलिए हमने राम जी को नहीं छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा, संगठन छोड़ दिया। पर हम धर्म थोड़े छोड़ने वाले थे, तो हमने हंकार करके कहा कि संसद में कानून बनाओ, वादा का पालन करो, पर सरकार ने अभी तक नहीं। मैंने कानून बनाकर सरकार को दिया है, कानून बनाकर मैंने कानून कैसा होगा बस सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से बनाकर सरकार को दिया कि विदेश में घूमने में शायद आपको कानून बनाने का समय नहीं मिल रहा, तो हम कानून आपको देते बना डालो। इसके साथ ही प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर के निर्माण के लिए 21 अक्टूबर को लखनऊ से अयोध्या के लिए कूच करने का भी ऐलान कर दिया। अभी तक सरकार की ओर से कोई उनकी तैयारी नहीं है, इसलिए हमने तय किया कि विजयादशमी के बाद 21 अक्टूबर लखनऊ से अयोध्या कूच करेगा। अयोध्या कूच क्यों, 84 में राम मंदिर आंदोलन शुरू किया तब सबसे पहला कार्यक्रम ही अयोध्या कूच थी लखनऊ से। लखनऊ से अयोध्या के लिए कूच करने की प्रवीण तोगड़िया की इस घोषणा पर अब बीजेपी का क्या रुख होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, बस्ती।